हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुल्ताने अंबिया का वहीं पर कयाम है, नबियों की राजधानी मदीना शरीफ। जरा कोई एक आदमी मजमे से बोल दे सुभान अल्लाह, जरा आहिस्ता से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी एक आदमी से कहा जाए तो हर आदमी सोचा करे कि वो खुशनसीब आदमी मैं ही हूं। माशाल्लाह मेरे भाई जनाबे मोहतरम उल्फत रजा नूरी साहिब अल्लाह ने बहुत अच्छे बहुत कीमती अशआर बड़े खूबसूरत लहजे में पेश फरमाए, आप महजूज हुए। और माशाल्लाह मदीने शरीफ का जिक्र हुआ, मदीने शरीफ का जिक्र जहां होता है वहां अल्लाह की रहमतों की बारिश। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर इस कदर मुकद्दस उलमाए अहले सुन्नत की जमात मौजूद है कि जिस दुआ पर ये उलमा आमीन कहते हैं वो दुआ परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो जाए। मैं तमाम अरबाब मिंबर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और जुमला शहजाद गाने हुजूर अनवारे मिल्लत की जानिब से तमाम उलमा का मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं बस एक शेर बड़ी तेजी के साथ पढ़ना चाहता हूं और उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह और आप देखेंगे हमारी जमात का वो चमकता हुआ वो नूर हीरे जैसा पाकीज़ा खतीब कि जिसकी खिताबत इस वक्त पूरे मुल्क में सुनी भी जा रही है और पसंद भी की जा रही है। शहंशाह खिताबत नाशिरे मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा अश्शाह, माशाल्लाह जरा मोहब्बत से एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत का खिताब होना है, बस एक शेर मैं पढ़ता हूं, जुमला अदाब मिंबर की दुआएं चाहते हूं, जरा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। और मैं शेर पढ़ता हूं बिलखुसूस मैं जनाबे उल्फत रजा साहब तआला की दुआएं चाहता हूं कि मोहम्मद मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता। अब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा तो आपको इन उलमा को देख देख अगर ये हमारे खानदान के लोग सुभान अल्लाह कह दे तो आप भी इनको देखकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए, क्योंकि अगर अच्छी बात होगी तो ये जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता है, टूट जाता है किसी से जुड़ नहीं पाता वो इतना टूट जाता है। रिश्ता टूट जाता है किसी से जुड़ नहीं पाता वो इतना टूट जाता है। नजर से जब गुजरती है मेरे सरकार की सीरत तो आंखों पर चढ़ा अफलत का चश्मा टूट जाता है। आंखों पर चढ़ा गफलत का चश्मा टूट जाता है। और हसन भाई मैं एक आखिरी शेर और इस शेर को बिस्मा में पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इस शेर को अखबार की हेडिंग मोहम्मद मुस्तफा से जिसका रिश्ता टूट जाता है किसी से जुड़ नहीं पाता वो इतना टूट जाता है। नजर से जब गुजरती है मेरे सरकार की सीरत तो आंखों पर चढ़ा गफलत का चश्मा टूट जाता है। यकीनन यकीनन जिंदगी ऐसी है बिन उनकी मोहब्बत के किसी गाड़ी का जैसे एक पहिया टूट जाता है। यकीनन जिंदगी ऐसी है बिन उनकी मोहब्बत के किसी गाड़ी का जैसे एक पहिया टूट जाता है। आइए इल्मो अदब का शहजादा खिताबतों का बेताज बादशाह मुंबर का ताज महल अदब का शहजादा हज़रत अल्लामा अश्शाह नासिर रजा चतुर्वेदी साहिब मिंबरे नूर पर जलवा बा रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ अगर परवरदिगार आलम ने आपको दो हाथ अता फरमाए हैं वो हाथ सही सलामत हैं तो जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों का इस्तेमाल करें और हजरत का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर और बाबा से शरीफ हो जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मेराज नबी मस्तके आला हजरत फैजाने हजरत अल्लामा अनवार हुसैन साहब क़िबला सरज़मीने बिस्मा उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नासिर रज़ा चतुर्वेदी। नारे तकबीर नारे रिसालत जहां गुलामे नबी तश्ना काम बोलता है वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलता है और ज़बान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ रजा का गुलाम बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन
طيبين وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات آج کی یہ پویتر محفل آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام شب معراج کانفرنس جو ناشر مسلک اعلی حضرت پاسبان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ شاہ مفتی انوار صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کے چہلوں کے اوسر پر اس عظیم الشان اجلاس کا آیوجن کیا گیا ہے علماء اکرام کا آمنترت کیا گیا اللہ اور اس کے رسول کے پویتر اپدیشوں کو سننے سنانے کا شبھ اوسر پردان ہوا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس عظیم الشان اجلاس کو اپنی بارگاہ میں سویکار یعنی قبول فرمائے منچ پر آپ دیکھ رہے ہیں داعی اسلام مفکر ملت فخر دہلی معمار ملت حضرت علامہ مولانا افتخار احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ پوری شان صدارت کے ساتھ تائج پر تشریف فرما ہے نقیب اہل سنت سبا سنچالک آبروہ زبان و ادب شہباز تکلم حضرت مولانا اظہار شاہجہاں پوری صاحب کی بہترین نقابت و نظامت ہو رہی ہے شہنشاہ ترنم شاعر اسلام مدھر کوی جناب محترم مولانا الفت رضا نوری صاحب سے آپ نے بہت اچھا سماعت کیا قداور علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں ان سب کے مقدس چہروں کی زیارت کیجئے اور پورا مجمع اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار عرب تاجدار حرم نوبہار شفاعت مالک جنت کرپالو دیالو دیاوان کرونا شیل کرپاشیل آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بلند آواز سے پڑھیے یدنا مولانا محمد و علی آلہ یدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ وسلم صلاتن و سلاما یہ علماء اکرام ہیں بہت بڑا قدر ان کے سامنے میں بہت چھوٹا ہوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے سب کے مقدس اور مؤخر چہروں کی زیارت کرتے رہیے اور پھر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم کر کے درود پاک پڑھیے حضرات یہ سوچ کر کے آپ لوگ درود پاک پڑھیے کہ اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہوگا تو اٹس مائی چیلنج مجھے سمپورن وشواس ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ پاک درود پاک کی برکتوں سے اس کو شفایاب کر دے گا بے شک سبحان اللہ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ علیہ محمد جو درد لا دوا ہے اسے گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ علیہ محمد جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا سب کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی اللہ علیہ محمد اور حضرات یہ وظیفہ تو ایسا وظیفہ ہے
दुरूद पाक का वजीफा अल्लाह की कसम, रात के इस हिस्से में आप पढ़ रहे हैं, इस अजीम शान महफिल में अपने आका और मौला पर दुरूद पाक पढ़ने का वजीफा तो ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को आप तो क्या खुद खुदाए पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह पाक उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं, अल्लाह अल्लाह क्या पाक उनसे भी पढ़वाता है जो लोग ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद भविष्य पुराण भूषण पुराण श्रीमद भागवत पुराण भगवत पुराण मार्कंडेय पुराण सत्रह पुराण संग्राम पुराण विष्णु पुराण गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाले हैं, वो भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो मुलाहिज़ा करो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पंडित है, नाम है धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा है, अंदाज क्या है वो मुलाहिज़ा करें, तर्जुमा सुनेंगे, ट्रांसलेट सुनेंगे, माना मतलब अनुवाद सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम खरम सुखरम जीवन मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम काराम सर्जनम मंगलम मंगलम पुरा दाता बजे मंगलम मंगलम में भवा में न मंगलम मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम श्रावण मंगलम भावनम मंगलम मंडप मंडतम मंगलम कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम भूपलम सजीव मंगलम। तर्जुमा सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए, यानी ये मुस्तफा आपके वाले रहन तैये बहन ताहिर रहन कमर रहन मुनीर रहन फल्ला को दुरूद सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस कस्बा में आप आए उस कस्बा को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस गली में आप आए उस गली को सलाम, तो बिस्वा के सुल्ती सिलसिला में मुसलमानों, जिस गली में आप आए उस गली को सलाम, तो डंडे की चोट पर बोलो जिस सुहागी गली चमका दैवा का चार, उस दिल लफ्जों से सलाम मिला को सलाम, मुस्तफा जाले रहमत मिला को सलाम, समय बस में हिदायत मिला को सलाम, काबे के बद्र तो जा तुम पे करोड़ों दैवा के शख्स जो ऐसा वजीफा जोर से पढ़ना चाहिए आहिस्ता, तो जरा मचल करके अपने आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला माला यसल्ले व सल्लम दायमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हजरात अल्लामा के चहलुम के अवसर पर इस अजीम शान इजलास का आयोजन किया गया है, इनेकाद किया गया है, यानी मुस्तफा के जिक्र की महफिल को सजाया गया है। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला अल्लामा को के दराजात को बुलंद बाला फरमाए। आमीन। आप देखे आला हजरत फरमाते हैं, जिक्र सब ठीक है जब तक न मजकूर हो। बेशक जिक्र सब ठीक है जब तक न मजकूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। हाय हाय हाय, बेशक जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत की आला हजरत की शायरी है, आला हजरत की शायरी, अल्लाह की कसम बुजुर्गों ने फरमाया बतौर वजीफा सुबह शाम पढ़ा करो, बीमार हो गए तो शिफायाब हो जाओगे। बेशक आला हजरत फरमाते हैं, जिक्र सब ठीक है, दुनिया का उसूल है, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कानून है, जो जिसका फॉलोवर होता है, अनुयायी होता है, पैरोकार होता है, मानने वाला होता है, वो अपने कायद अपने रहनुमा की तारीफ करता है, उसका जिक्र करता है, उसी का खुतबा पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत का जब कोई सियासी लीडर अपनी सभा में स्पीच देने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले गांधी और नेहरू की तारीफ करता है। इसी तरह एक साइंटिस्ट जब साइंटिफिक थ्योरी को समझाने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टाइन,
और सबसे बड़े साइंसदान न्यूटन की तारीफ में रतबुल निशान कहता है, यानी उसी का जिक्र करता है, उसी का खुतबा पढ़ता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने आका की शान और अजमत पर दुनिया में जितने भी कायदीन और रहनुमा पैदा हुए हैं, उन तमाम लोगों की जीवनी का अध्ययन किया जाए। जिंदगी का मुताला करने के बाद हकीकत के आईने में अगर कोई देखे तो सिर्फ एक ही नक्श दिमाग पर उभरेगा, यानी तमाम रहनुमाओं का कद छोटा है, लेकिन मुसलमान जिस रहनुमा की पैरवी करता है उसके कद का यह आलम है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब सबक वाले उजड़ों में सबका चीजे, अंधे शीशों में सबका हमारा नबी, कौन देता है देने को मूसा जी है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हम सदों को रसाता मुस्ता दीजे के है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे मेराज मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा ज़ोदो तक्वा के बदरे मुनीर पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया की तशरीफ आवरी हुई है वहीं पर ख़तीब हिंदुस्तान नाशरे मसलके आला हज़रत दाई इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती तस्लीम रज़ा साहिब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात के नूरानी चेहरों की ज़ियारत के लिए माशाअल्लाह पीरे तरीक़त तशरीफ़ फरमाए, वरना मार्केट के अंदर फी ज़माना असर हाज़िर में पीरों की कमी नहीं है। ऐसा ऐसा पीर मेड इन चाइना, मेड इन जापान डुप्लीकेट पीर, ऐसा ऐसा हजरत, ऐसा ऐसा पीर मिलता ही है। इजहार भाई पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, शाहजादा ज़ुब्दतुल उलमा मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा करम फरमाई हजरत अल्लामा मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़िबला फ़ख्रे दिल्ली, ये पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, यूपी बिहार बंगाल आसाम उड़ीसा राजस्थान गुजरात केरल कर्नाटका तमिलनाडु सिक्किम तेलंगाना हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र गोवा पांडिचेरी त्रिपुरा मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान का ये लोग दौरा करते हैं। इनसे पूछिए बाज मकामात पर तो ऐसा ऐसा पीर मिल जाता है, मत पूछिए। जी जी हाँ, ये दस दस अंगूठी रहेंगी हाथों में, पूरी एक भी उंगली बाकी नहीं रहेगी। ये बड़ा बड़ा पीछे से बाल रहता है, सामने वाला देखता है पीछे से चलता है ना तो देखता है कि जा नहीं रहा है जा रही है। हाँ अल्लाह की कसम ऐसा ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है, थानलेबाजी हो रही है, टेढ़ा पीर उजला पीर मोटा पीर गोरा पीर काला पीर ये पीर वो पीर, लेकिन ए मेरी कौम के जवानों आज के सजीव शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, पीर मुरीद होना जरूरी है लेकिन हमारा पीर कैसा हो, हमारा पीर हो तो गौसे आज़म कैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजा ए पाक कैसा हो, हमारा पीर अगर कोई हो तो दिल्ली के महबूबे इलाही कैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो तलियर के सामने पाक कैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो देवा के बारी से पाक कैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो अल्लाह की कसम चौदहवीं सदी का मुजद्दद हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो पंद्रहवीं सदी का मुजद्दद हुजूर सैयदी सरकार मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम है जैसा हो, अरे हमारा अगर कोई पीर हो तो वो मेरा पीर हुजूर बहादुर शरिया जैसा हो। बेशक क्या कहने क्या कहने माशाल्लाह। हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था कि आला हजरत ने फरमाया सबसे औला वाला हमारा नबी, ये बात बहुत पुरानी है, ये बोली बहुत पुरानी है, आज से तकरीबन 2700 साल पहले, ए खामोश, आज से तकरीबन 2700 साल पहले इसी हिंदुस्तान में इसी भारत में डंके की चोट पर कहा गया है सबसे औला वाला हमारा नबी। अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब आप कहेंगे कैसे, तो आज से तकरीबन 2700 साल पहले हमारे इसी भारत का एक राजा गुजरा है, नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य।
उनका एक उस्ताद है जिसका नाम है पंडित मूल शंकर। ये मैंने आपको ओरिजिनल नाम बताया है। इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय के 3rd श्लोक में लिखा हुआ है सबसे औला वाला हमारा नबी माशाल्लाह। बोलो जोर से, बोलो सवाल। सबसे बाला हो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका की अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को तो चाहिए, देने वाला है सच्चा। आप कहेंगे कैसे, तो उसमें लिखा हुआ है पिता मेदम पुरुषम महान आदित्य वर्णितम स परिष्टतम विवाह विदुत्वाप्य विरुद्धु तिरणं लयनं थाय दधियनाय संतुषम परम सुखम भूषम बलवतम और सुनो संस्कृत जबान जो है ना वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की है। क्या बात है, किसकी है? हाँ, इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। संस्कृत भी उसी में है। आप अपने आका की शान बुला ऐसा चलो, मैंने कहा था सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप देखे ट्रांसलेट सुने, माना सुने, मतलब सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी ए दुनिया में रहने वाले इंसान, ए इस पृथ्वी के ऊपर, ए संसार में बसने वाले मनुष्य, इस पृथ्वी के ऊपर इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा पलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान, यानी सबसे आला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बेहतर, सबसे उत्तम अगर कोई है तो उसका नाम स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और हाथ के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में लगाओ, बोलो सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकारिए, जब तक मैं अपने हाथ नहीं जलाऊंगा कोई अपने हाथ नहीं जलाइएगा। बारहवीं शरीफ में जिस तरह आप झंडियां बना करके लहराते हैं, इस तरह दोनों हाथों को लहराइए, पुकारिए अपने आका को या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अरे किसी की जय बेच क्यों कर पुकारे, क्या तरस हम तो, हमें काफी है सज्जद अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार आए, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे मेराज, मसलके आला हजरत, उर्से चहलम, शहजाद गाने हुजूर जुब्दतुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुस्तफा की शान मुलाहिजा कर रहे हैं, पूरा श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा मैं कर रहा हूँ जो मैंने इतना लंबा श्लोक पढ़ा था, तर्जुमा सुनिए आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम, वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम यानी उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को, यश के माना आते हैं भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसका मतलब होता है बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में इसका माना होता है इबादत करने वाला। इबादत बना है अब्द से, अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्ला, यानी उनके वालिद का नाम अब्द
अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंद की बंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु हो गए यानी पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार हो गए। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को, चैन का माना अरबी में होता है अमन, अमन बना है आमेना से, यानी उनकी माँ का नाम आमेना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूरी ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुंबद से पूरी दुनिया में नशर किया जाता है। सुबह में हो पड़ता है ताला नूर का, सबका ले ले नूर का, आया है ताला नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, पच्चा पच्चा नूर का तू है, नूर तेरा सब धराया नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और लहर करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आप मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं उससे चहलों में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात नंगे सर लोग मेरी कौम के जवान आए हैं, मोबाइल का तो बड़ा सा, वो पहले छोटे छोटे नहीं होते थे नोकिया के 12, 13, 1500, उन सब का तो इंतकाल हो गया। हाँ वो दिखता ही नहीं है। हाँ पहले वो छोटा वाला मोबाइल होता था ना, अगर जेब से गिरता भी था तो ढक्कन अलग, बैटरी अलग, कीपैड अलग, ढांचा अलग, लेकिन अब ये वाला गिरता है तो फेफड़ा अलग, गुर्दा अलग, किडनी। जवानों आज तुम ना इसी मोबाइल के जरिए अच्छे काम भी कर सकते हो। बेशक और अच्छे काम अगर कोई कर भी लेता ना मेरी कौम का जवान, हजरत ने इशारा फरमाया था स्लाइड, अच्छे काम कर भी लेते ना अल्लाह पाक उसको तौबा की तौफीक भी दे देता है, तो मेरी कौम के जवान उसके साथी लोग उसको कहते हैं बड़ा मुत्तकी बन रहे हो, बड़ा परहेजगार, देखो तो कुर्ता पायजामा टोपी पहन करके निकल रहा है। वो दिन भूल गया जब हमारे साथ तू जुआ खेलता था, वो टाइम भूल गया जब हमारे साथ शराबे पीता था, वो वक्त भूल गया जब हमारे साथ गलत काम करता था। अब वो सोचता है या अल्लाह ये पुराने ये मेरे दोस्त लोग हैं जीने नहीं दे रहे, जाता है मस्जिद की तरफ, सोचता है यहाँ तो भले लोग होंगे अच्छे लोग होंगे, जाऊंगा तो इज्जत की जा पर मुझे बिठाया जाएगा, शाबाशी दी जाएगी, पीठ थपथपाई जाएगी, खुश होंगे लोग मस्जिद में देख करके मुझे। लेकिन जैसे ही उसने मस्जिद के अंदर कदम रखा ना तो अंदर से चाप बोलते हैं ओए हे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। अल्लाह मस्जिद में क्या करने आयो भाई, तुम्हारा क्या काम है मस्जिद के अंदर, मस्जिद में क्या करने आए हो। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों से ऐसे नमाजियों से कहता हूँ कि ए नमाजियों ताना देने वालों सुनो, कान खोल करके सुनो, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, इसलिए कि तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। बेशक बेशक, हक कोई मगरिब से शुरू नहीं हो गया है, अल्लाह का ऐलान है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ फरमाएगा। हम कौन होते हैं उसको ताना देने वाले। ये मेरी कौम का जवान मोबाइल फोन के अंदर ये बड़ा बड़ा फोन, उसमें हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड ये वुड वो वुड जमा रहते हैं, और रात के जब 12 बजे के बाद बिस्तर पर जाता है तो ये चेक करता है, उस पर देखता है तस्वीरें होती हैं बड़ी बड़ी भयंकर खतरनाक तस्वीरें, टेढ़ी मेढ़ी उजली काली अजीब अजीब तरह की पुराना तस्वीरों को देखता है। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों आज के शमशान जलसे से यह पैगाम लेकर के जाओ और मेरी बातों को हंस करके मत डालो। आपको मोबाइल फोन के अंदर तस्वीरें रखने के लिए फोटोज रखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, आप तस्वीरें रखो, लेकिन अगर तस्वीरें की रखनी है तो गुंबदे कसरा की तस्वीर रख ले, आलाए काबा की तस्वीर रख ले, आला हजरत के गुंबद की तस्वीर रख ले, और जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा तेरी नजर गुंबदे कसरा पर पड़ेगी तो तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताजा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और लहर करके बोलो सुभान अल्लाह। मैं आज कर रहा था अपने
आका की शान जिक्र बयान कर रहा था, जिक्र सब ठीक है, जब तक मैं मजकूर हो जो मैंने श्लोक पढ़ा था बस उसको पूरा कर दे रहा हूँ, उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप सुने मुसलमानों, आगे लिखा हुआ है संब महक मारूह दीप दूध जगपति, एक एक जुमला मेरा नोट कीजिए। एक एक जुमला नोट कीजिए, संब महक उसमें लिखा हुआ है, मैं हुज्जत के तौर पर पेश कर रहा हूं, दलील मैंने बनाया मदीना इंदल्लाह इस्लाम माशाल्लाह, असंभव यानी वो असंभव को संभव करेंगे, असंभव को नोट से बोलो, असंभव को संभव करेंगे, संभव करेंगे, अष्टुण गुणवती और आठ गुण लेकर के पैदा होंगे। संस्कृत में आप गिनती गिने का दौ त्रय चतवारा पांच छह सात अष्टम नवम दशम एकादशा द्वादशा बारह तारीख में यानी द्वादश तिथि में तशरीफ लाएंगे, असंभव को नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे। अल्लाह की कसम ए पेशवा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सीने पर हाथ रख करके बताओ, चांद के दो टुकड़े करना संभव है असंभव? असंभव। मकामे साहबा में हजरत अली की नमाज से असर कजा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलटाया, मक्का में चांद दो टुकड़े हो रहे, परेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। जो पैगंबर को अपनी तरह कहते हैं और दलील ये पेश करते हैं कि उनके दो हाथ हमारे हाथ, उनके दो पैर माजल्ला हमारे दो पैर, ये हम खाते वो खाते, हम पीते वो पीते, हम सोते वो सोते, हम जागते वो जागते, ये नापाक दलील पेश करते ईमान और अकीदे को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐ मेरी कौम के जवानों, पूछा गया था यही इलाहाबाद की सरजमीन पर पंडित सोमनाथ सोम से कि तुम क्या कहते हो, पंडित सोमनाथ सोम ने कहा था मैं शायर हूँ कोई सियासी नहीं हूँ, सना खान अहमद हूँ बाजी नहीं हूँ, भला से सो मुझे कुछ भी कहे दुनिया, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाँ भी नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पंडित दर्द शंकर दर्द ने कहा था रोजे पाक से होके जो हवा आती है, हम गरीबों के लिए कुएं शमाल आती है, कैसे मुस्लिम है जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, अरे हम तो हिंदू हैं पर हमको हया आती है। अल्लाह अल्लाह, आओ सुनो मैं ट्रांसलेट मुकम्मल कर रहा हूँ, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आठ गुण लेकर के पैदा होंगे, हमने कहा वो आठ गुण कौन से होंगे, तो आगे लिखा हुआ है जब वो भूमिष्ठ होंगे यानी जब उनका जन्म होगा तो नंबर एक क्रिया नील गंधा यानी कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा, नंबर दो अति ज्योति में प्रकाशम यानी कमरा नूर से मामूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर तीन न तो मस्तक भूमिष्ठ यानी सजदे के बल पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर चार प्रभु गुणगानम यानी अल्लाह का गुण गाते हुए यानी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर पांच रीढ़ गच्छे दी ना पुरीदा पैदा होंगे। नंबर छह लिंग छे दी खतना शुदा पैदा होंगे। नंबर सात पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम यानी जब उनको स्नान की हाजत होगी तो आकाशवाणी होगी यानी गैब से निदा आएगी कि इन्हें स्नान की कोई जरूरत नहीं है बल्कि गंगा जमन आकर के इनके चरणों में स्नान कर ले। नंबर आठ चतुर्बलाता सहयोगी तो और उनके चार मित्र हो गए जो चारों दिशा के स्वामी हो गए। हमने कहा महाराज वो कौन से, तो कहा गया अबू बकर उमर उस्मान हैदर ने आमिना के चांद को देखा सहाबी हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। अगर कोई दीन है तो वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह पाक हम सबको
इस्लाम पर जमा कर अमल की तौफीक दे। और अल्लाह की कसम हमारा मजहब ऐसा है, संसार में एक मजहब नहीं है, एक धर्म नहीं है। आखिरी बात सुनिए, एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं। जहाँ तक मेरी तहकीक नॉलेज है, 992 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते, लेकिन मुसलमानों अल्लाह की कसम हमारा इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, हमारा कुरान पूरी दुनिया को चैलेंज देता है। इसलिए कुरान की टू दी पीपल in accordance with the progress of Indian civilization, perhaps in the previous period hot compared of the first internal part of the program, there is now God for God for the third second. इस्लाम और कुरान पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि पूरी दुनिया की जबानें मिटती चली जाएगी, लेकिन कुरान की जबान सुबह कयामत तक नहीं मिट सकती है। आज कुछ लोग तहरीफ करने की कोशिशें करते हैं, अरे उनके सीने पर चढ़ करके बोलो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जबान मगर कुरान न बदला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चोट पर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको मजहब इस्लाम पर कमा कर अमल की तौफीक दे, मसलक आला हजरत पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला हजरत अल्लामा अनवार साहब कबला नफरल्लाहु मरकदहु के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और उनके फैजान से यहाँ सब लोगों को उनके मानने वालों को मालामाल फरमाए। आमीन वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा कलमाए तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।